हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल, जिसमें मैंने आपको राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बता दिया था। तो जिसमें मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल होंगे, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, और अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना, 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति, 156 जो है वो पदावधि, 157 जो है योग्यताएं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको याद कराने की कोशिश की थी, आपको याद भी हुआ होगा। तो मैंने आपको बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है, दोहरी कार्यपालिका, यानी एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका है और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका में केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति हैं, राज्य की बात करें तो राज्यपाल हैं। वहीं पर जो वास्तविक कार्यपालिका है, केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है। वहीं पर राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है। व्यवहार में राष्ट्रपति जो है वो उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करते हैं जिसकी सिफारिश जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं, केंद्र की बात कर रही हूँ मैं, कि जो प्रधानमंत्री हैं वह मंत्रिपरिषद से सलाह लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। जब सही तरीके से बात बैठ जाती है तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। तो राष्ट्रपति जो हैं उसके बाद राज्यपाल को नियुक्त करते हैं कि इस राज्य में जो है वो आप राज्यपाल रहेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो राज्यपाल जो है वह उस राज्य में रहते हैं। तो इसीलिए राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब देखिए, अनुच्छेद 153 जो है जिसमें क्या लिखा हुआ है, मूल संविधान में राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये तो हमारे मूल संविधान में वर्णित है। और वहीं संविधान संशोधन जो हुआ है, सातवां संविधान संशोधन 1956, जिसमें क्या है कि एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। ठीक है, यानी वो एक राज्य का राज्यपाल तो है, लेकिन वह दूसरे स्टेट का राज्यपाल भी बन सकता है, कार्यभार संभाल सकता है यदि वहां पर राज्यपाल का पद रिक्त हो। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो हर एक के माइंड में आता है कि राज्यपाल जिनको मासिक वेतन 3.5 लाख जो है वह है मिलता है, ठीक है, जो कि राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। राज्यपाल को वेतन भत्ते जो हैं जो प्राप्त होते हैं वो संसद विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन जब वो 2 या 3 राज्यों का कार्यभार संभाल रहा है तो ऐसी कंडीशन में वेतन भत्ते कैसे निर्धारित होंगे, कौन करेगा? तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सटीक है कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वही तय करेंगे इस कंडीशन में। तो हमने देख लिया अनुच्छेद 153 के तहत कि इसमें जो है, इसकी जो सामान्य भाषा है, इसमें क्या है कि राज्य की कार्यपालिका का जो वैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य मंत्री परिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। ठीक है, वास्तविक प्रधान कौन होती है, कार्यपालिका सत्ता की राज्य की मंत्रिपरिषद, और कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है, ये राज्यपाल। उसके बाद देखें अनुच्छेद 154, तो यहां पर मूल संविधान में क्या लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, तो अर्थ क्या है, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, जिस तरीके से हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति, वहीं पर राज्य का जो प्रथम नागरिक है वह कौन है, राज्यपाल। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ये चीज समझा दी थी। और व्यवहार में राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल जो है वह नियुक्त करते हैं जिसकी सिफारिश जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। ठीक है, एग्जाम में यदि प्रधानमंत्री नहीं आए और मंत्रिपरिषद आ गया तो वहां पर उस कंडीशन में भी आंसर सही होगा, क्योंकि उसी मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। फिर देखिए नोट में मैंने क्या लिखा है कि राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख या महाराज प्रमुख के पद समाप्त कर दिए गए और राज्यपाल का पद जो है वह सृजित हुआ। तो 1 नवंबर 1956 के बाद जो है राज प्रमुख राज्यपाल में बदल गया। तो एग्जाम में आ सकता है,
अंतिम राज प्रमुख कौन थे? तो महाराजा सवाई मान सिंह अंतिम राज प्रमुख थे। वहीं पर प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। तो यहां से जो है वो इसी तरीके का क्वेश्चन जो है वह है पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो प्रथम राज्यपाल राजस्थान के बने वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 155। तो हमने मूल संविधान में क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 155 में, तो वो भाषा आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर आपने तो ये बताया था कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर करते हैं, बिल्कुल सही है, केंद्रीय मंत्री परिषद यानी केंद्र की मंत्री परिषद की अनुशंसा, तो इसी के तो प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वह सलाह मशवरा किससे किया है? इन्होंने मंत्रीगण से किया है, मंत्री परिषद से किया है, और उसके बाद जो है वो सूचना राष्ट्रपति को दी है कि इसे जो है वो राज्यपाल इस राज्य में बनाया जाए, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है इनका अनुच्छेद 52 में वर्णन है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। तो मैंने ये साथ में ही लिख दिया है ताकि आपको ये याद रह सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वह साइन कर देते हैं, और उस साइन वाले जो वारंट होता है उसको, नियुक्ति वाले वारंट को राज्य के जो मुख्य सचिव हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्य सचिव के बारे में भी आगे टॉपिक में। तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अपने जो है वो साइन किए जाते हैं, और एक वारंट, नियुक्ति वारंट जो है वो जारी किया जाता है, उसे जो है वो राज्य का जो मुख्य सचिव है वो पढ़ता है, ठीक है, और इस तरीके से राज्यपाल का चयन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 156। तो अनुच्छेद 156 जिसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मूल संविधान में राज्यपाल की पदा अवधि की बात की गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण जो है वह करते हैं, और साधारणतः जो है वो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष जो है वो निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 156 जो है इसके तहत संविधान में राज्यपाल पद की अवधि जो है वो 5 वर्ष निर्धारित की गई है, कार्यकाल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वो अपनी मर्जी चलाएंगे, यानी कि उनकी मर्जी है तो इस राज्य में जो है राज्यपाल जो है उनको पद से हटा दे। यहाँ पर मंत्री परिषद की सलाह के बगैर वो ये कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर कार्य जो है वो प्रक्रिया इनके द्वारा ही की जाएगी, लेकिन मंत्री परिषद जब कहेगी कि हाँ जो है ये सही से कार्य नहीं हो रहा है राज्य में, तो मंत्री परिषद जो है उनकी सलाह पर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, और उसके बाद ही राज्यपाल को उनके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष से पहले राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, और या उसी राज्य में दोबारा से भी नियुक्त कर सकता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वो निवासी हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो जनता का प्रतिनिधि है वो कौन है? मुख्यमंत्री है। और ऐसी कंडीशन में उस राज्य में बैलेंस बना रहे इसीलिए राज्यपाल जो है उस राज्य का वह होगा जो उसका मूल निवासी ना हो, क्योंकि मूल निवासी जो है वो मुख्यमंत्री रहता ही है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा देता है। जब तक उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राज्यपाल जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को संबोधित करके जो है वो साइन करके देते हैं, और वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखें। नोट में देखिए अनुच्छेद 156 तीन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 157 जिसमें अहर्ताएं या योग्यताएं की बात है। देखिए भारत का नागरिक हो, ठीक है, और जिसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो हम जो राज्यपाल देखते हैं, राष्ट्रपति देखते हैं, तो वो हमें बुजुर्ग ही दिखाई देते हैं। क्यों?
क्योंकि 35 वर्ष की आयु यदि पूरी कर चुका है तो ही वह राज्यपाल जो है वह बन सकता है। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है इसे आप ध्यान दें, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि वह विधानसभा का सदस्य हो, ऐसा यहाँ इस लाइन में नहीं लिखा गया है। यहाँ पर यह लिखा गया है कि विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। यदि वह विधानसभा का सदस्य है तो उसे ऐसा कोई व्यक्ति जो है वह राज्यपाल यदि नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन में उस तिथि से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। फिर देखिए शर्तें, अनुच्छेद 158। तो देखिए बार बार मैं आप लोगों को ये याद दिलवाती हूँ कि जो मूल संविधान है उसमें अनुच्छेद 158 क्या लिखा है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, ऐसी लाइन लिखी है, ये आप ऐसे ही याद रखेंगे, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, ठीक है। तो जो कि मैंने आपको पहले ही याद करवा दिए थे। तो शर्तें जो हैं वो क्या रहती हैं, उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो केवल विधानसभा या संसद के किसी सदन में रहने की योग्यता रखता हो, ठीक है, योग्यता होनी चाहिए बस, लेकिन राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य वो नहीं होना चाहिए। राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का पद धारण नहीं करेगा और राज्यपाल को वह वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो ये जो है वो शर्तें रहेंगी, ठीक है। और उसके कार्यकाल के दौरान उसकी जितनी भी आर्थिक उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, उनको भी कम नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसी में लिखा हुआ है अनुच्छेद 158 में। अनुच्छेद 159 देखिए, जिसमें राज्यपाल के पद की शपथ की बात की गई है, ठीक है, या आपको शपथ के बदले प्रतिज्ञान शब्द भी मिल सकता है, तो ये आप याद रखें अनुच्छेद 159। तो राज्यपाल को संबंधित राज्य के, यानी कि जिस राज्य का वह राज्यपाल बनाया जाएगा, उसी राज्य के जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, अकील कुरैसी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल जो अभी हैं उन्हीं का नाम लिखा है, अकील कुरैसी, या यदि ये नहीं है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो इनकी अनुपस्थिति में हाई कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वह इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखें। यहाँ पर राज्यपाल जो हैं उनको नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, लेकिन यहाँ पर शपथ कौन दिलवा रहे हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर जब वो अब शपथ लेते हैं तो इस तरीके से कहते हैं, आपने टीवी में सुना होगा कि मैं जो भी नाम है, जैसे कि अकील कुरैशी है, इन्होंने बोला होगा कि मैं अकील कुरैशी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक जो है वो राजस्थान के राज्यपाल का पद जो है उसका कार्यभार संभालूंगा, ठीक है, और जो भी संविधान का जो भी नियम है, कानून है, उनका संरक्षण करूंगा, जनता का सेवा का कल्याण करूंगा, इस तरीके से वो शपथ लेते हैं और साइन करते हैं। तो नोट में क्या लिखा है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देते हैं। राज्यपाल को हटाने का आधार तथा प्रक्रिया का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है राज्यपाल, और राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को पद से मुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 160, तो यहां पर आकस्मिक रिक्ति, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि विकल्प क्या रहता है कि अन्य राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था अनुच्छेद 160 में कि यदि राज्यपाल का पद जो है वह खाली है किसी कारणवश से, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है इस संबंध में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राज्यपाल का यदि पद रिक्त हो जाता है तो नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक जो पड़ोसी राज्य है उसके राज्यपाल को अतिरिक्त भार जो है, प्रभार जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसे एडिशनल चार्ज कहते हैं। और यदि राज्यपाल नहीं है उस राज्य के भी, तो
राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य दे दिया जाता है। उसके बाद देखिए राज्यपाल की शक्तियां व कार्य, तो देखिए केंद्र में राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं उसी तरीके से राज्यपाल की जो है राज्य में शक्तियां और कार्य होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कई जो है वो अंतर रहते हैं, तो इनको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति के समान कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति जो है वो प्राप्त होती है, जो राष्ट्रपति को भी प्राप्त होती है। और इसके अलावा राज्यपाल को एक अलग से एक और शक्ति प्राप्त होती है, स्वविवेकी शक्ति, ठीक है। और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की तरह जो है उसके पास सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति नहीं होती है, ये आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले हम कार्यकारी या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो है वो हम देखेंगे। तो नियुक्ति करना, तो यहाँ पर राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करेंगे तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, वहीं राज्यपाल किसको नियुक्त करते हैं, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ जो है वह भी राज्यपाल दिलवाते हैं। तो हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति जो है वह राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, लेकिन शपथ जो है वो उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और यहाँ पर राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं, शपथ जो है यह भी राज्यपाल दिलवाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान में रखें। राज्य के समस्त कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। फिर देखिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को नियुक्त करने के अलावा राज्य के जो महाअधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल, जिसे सर्वोच्च विधि कानूनी अधिकारी राज्य का भी कहा जाता है, तो इसकी नियुक्ति जो है वह भी कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, ठीक है। और वर्तमान में राज्य के महाअधिवक्ता या कानूनी अधिकारी कौन है, एडवोकेट जनरल M.S. सिंघवी हैं। नाम आप याद रखें, वर्तमान में जो भी नाम है वो आप याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 165 में राज्य के महाअधिवक्ता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। वहीं पर राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति जो है वह भी राज्यपाल करते हैं। अब देखिए M.S. सिंघवी जो है वो वर्तमान में एडवोकेट जनरल हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और दूसरा राज्य लोकायुक्त जो है वो कौन है वर्तमान में, जो 13वें हैं, प्रताप कृष्ण लोहरा। उसके बाद देखिए राज्यपाल और किसको नियुक्त करते हैं, तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति जो है वह भी राज्यपाल करते हैं। इसके साथ ही अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें हटा नहीं सकते हैं। तो इन्हें कौन हटा सकता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें हटा केवल राष्ट्रपति सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। तो वर्तमान में RPSC के जो अध्यक्ष है वो कौन है, संजय कुमार श्रोत्रिय हैं, जो कि अभी हाल ही में बने हैं इसी मंथ, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो कि चुनाव की प्रक्रिया जो है करवाते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 243 के में दी हुई है, तो यहाँ पर इनकी नियुक्ति जो है वह भी राज्यपाल करते हैं। उसकी सेवा शर्तें और कार्यविधि जो है यह भी तय करते हैं राज्यपाल, ठीक है। और इनको जो है उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहाँ पर वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये आप ध्यान में रखें, जो भी वर्तमान में है वो मैंने यहाँ सभी लिख दिए हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, अनुच्छेद 243 I, तो इसमें वर्णन किसका है, राज्य वित्त आयोग का। वहीं पर 243 K में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की बात है, ठीक है, जो कि चुनाव की प्रक्रिया करवाते हैं। तो प्रेम सिंह मेहरा जो है वो कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और प्रद्युम्न सिंह जो है वह राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इनको एक को भी आप लोगों को मिस नहीं करना है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श से करते हैं। अब देखिए राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं,
इनके जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श से करते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो हैं वो राज्यपाल होता है। तो राजस्थान राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति जो हैं वो कौन है? राज्यपाल हैं। और कौन है अभी वर्तमान में राज्यपाल? कलराज मिश्र। विश्वविद्यालयों का कार्य संचालन करने के लिए कुलपतियों को नियुक्त करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से शासन और प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है। तो कोई भी जो है जानकारी चाहिए तो राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री से सलाह लेते हैं, उनसे सूचना जो है वह मांगते हैं। तो ये जो थी शक्तियाँ वो कौन सी थी शक्तियाँ? ये थी कार्यकारी या कार्यपालिका शक्तियाँ। नेक्स्ट देखिए आपातकालीन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है उन्हीं को ये शक्ति प्राप्त है, आपातकालीन शक्तियाँ, जो कि राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन जो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, तो उसकी सिफारिश जो है वह उस राज्य का राज्यपाल ही करेगा। ठीक है, यदि किसी राज्य में सांविधानिक तंत्र जो है वो विफल हो गया है तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है वह कर देंगे। ठीक है, और भारत में सबसे पहले जो है वो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और सबसे अधिक समय तक जो है वो 5 वर्ष तक पंजाब में ये लागू भी रहा था। और राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन जो है वह लग चुका है। नेक्स्ट देखिए विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। तो हमने ये चीज देखी थी कि व्यवस्थापिका जिसका काम क्या होता है? कानून निर्माण करना। तो वहां पर राज्यपाल का अहम रोल होता है। तो ये विधायी शक्तियां जो है वो राज्यपाल को प्राप्त हैं। अगला देखिए अनुच्छेद 174, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अधिवेशन जिसे सत्र भी कहते हैं तो इसे बुलाने का काम जो है वह कौन करते हैं? राज्यपाल। ठीक है, विधानसभा का अधिवेशन जो है राजस्थान में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा का जो अधिवेशन जो है वो सत्राहूत करते हैं, अधिवेशन बुलाते हैं। लेकिन यदि असाधारण परिस्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाए तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष अधिवेशन स्वयं भी बुला सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो है वह स्वविवेक शक्ति भी प्राप्त है। उसके बाद देखिए सत्र अवसान करना, यानी कि सत्र की समाप्ति, उस अधिवेशन को समाप्त करना, तो यह भी अधिकार जो है वह किसको है? राज्यपाल को। राज्यपाल सत्र को जो है वह भंग भी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को जो है वह भंग कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वह मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी विधानसभा को भंग कर सकता है यदि राज्यपाल की राय में विधानसभा में सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है तो वह मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देने और बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। ठीक है, बहुमत सिद्ध करो। तो मुख्यमंत्री जो है यदि मुख्यमंत्री दोनों में से किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है, ना तो वो त्याग पत्र देना चाहता है ना ही जो है अन्य मंत्री जो है उनके द्वारा बहुमत सिद्ध हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल मंत्री परिषद को ही भंग करके और मुख्यमंत्री को क्या करते हैं? बर्खास्त कर देते हैं। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 176 जिसमें विशेष अभिभाषण की बात की गई है कि राज्यपाल जो है वह विधानसभा के निर्वाचन के बाद जो प्रथम सत्र है उसके आरंभ में भाषण जो है वो कौन देंगे? राज्यपाल देंगे। और प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र है, पहला अधिवेशन है, तो उसके आरंभ में जो भाषण है वह राज्यपाल ही देंगे। तो ये जो है आप याद रखेंगे। कब कब देंगे? एक तो वो विधानसभा के निर्वाचन के बाद जो है वो प्रथम सत्र के आरंभ में भाषण देंगे और हर साल का जो पहला सत्र है उसके आरंभ में भाषण देंगे अनुच्छेद 176 के तहत। फिर देखें इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 200, विधानमंडल के विधेयकों पर अनुमति या स्वीकृति प्रदान करना किसका काम है? राज्यपाल का। राज्यपाल जो है वह विधेयकों पर जो है अनुमति देते हैं, स्वीकृति देते हैं और स्वीकृति के बाद ही कोई भी विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। ठीक है, अधिनियम बन जाता है।
राज्यपाल स्वीकृति के लिए उसे रोक भी सकते हैं या विधेयक को विधानमंडल में वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। वापस संशोधन सहित या रहित जैसा भी आए, राज्यपाल को हस्ताक्षर उस पर करने ही होंगे। तो ये चीज समझिए आप कि राज्यपाल की अनुमति के बिना या उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक जो है वो अधिनियम नहीं बनेगा, ठीक है। और राज्यपाल चाहे तो स्वीकृति के लिए उसे रोक भी सकते हैं और विधेयक को विधानमंडल में वापस पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है और फिर वह वापस संशोधित करके आता है, तो जैसा भी आए राज्यपाल को जो है उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो जब कोई विधेयक जो है वो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित या सुरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति जो है वो ये घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देगा या उसे रोक लेगा, ठीक है। अगला देखिए अनुच्छेद 213 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 अनुच्छेद के अंतर्गत है, जब राज्य की जो विधानसभा है वो सत्र में ना हो, ठीक है। विधानसभा सत्र में ना हो तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है तो उसमें राज्य सूची में कोई भी जो है विषय जिस पर कानून बनाना जो है वो आवश्यक है, तो राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के निर्देशों के बिना कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। और अध्यादेश विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक ही जारी रहेगा, और यदि 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल या राजस्थान की बात करें तो विधानसभा जो है उन्हें यदि स्वीकृति नहीं देती है तो खुद ही वो समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 171 राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पर जो है वो आप याद रखिए कि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनीत सदस्य जो है वो सदन के 1/6 सदस्यों का होता है। तो वह किस किस क्षेत्र से लिए जाते हैं? तो कला क्षेत्र से होते हैं, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा और समाज सेवा, ठीक है, इन क्षेत्रों से लिए जाते हैं जो कि सदन के 1/6 सदस्यों का होता है, ठीक है। जिस तरीके से राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं वह भी इन्हीं क्षेत्रों से करते हैं, उसी तरीके से राज्य में जो राज्यपाल हैं वह विधान परिषद में सदन का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में रखे जाते हैं। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा कि राज्य में जो वित्त विधेयक हैं वह किसकी अनुमति से विधानसभा में रखे जाते हैं, तो राज्यपाल की अनुमति से रखे जाते हैं, अनुच्छेद 207 जो है यह हमें बताता है। अनुच्छेद 202 जो है राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम आम भाषा में बजट कहते हैं। अब देखिए बजट शब्द का जो है वो संविधान में कहीं भी उल्लेखन नहीं है, वहां पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसको राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना सुनिश्चित करवाता है राज्यपाल। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 267 राज्य की संचित निधि पर नियंत्रण। जो संचित निधि है राज्य की तो उस पर नियंत्रण रहता है राज्यपाल का। यदि कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जब उसे वहन करना पड़े, खर्च करना पड़े, तो आकस्मिक व्यय की अनुमति जो है वह राज्यपाल दे सकता है। उसके बाद देखिए न्यायिक शक्तियां। तो अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान, दंड कम करना, दंड स्थगित करना, तो ये सभी अधिकार जो हैं वो किसको हैं? राज्य के राज्यपाल को हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यपाल जो है वह मृत्यु दंड को भी आजीवन कारावास में बदल सकता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति की तरह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। बस यही लाइन जो है वो आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। मृत्यु दंड और सैन्य न्यायालय द्वारा दंड का अधिकार जो है वो केवल और केवल राष्ट्रपति को है। स्वविवेकी शक्तियां। अब देखिए राष्ट्रपति को कोई भी स्वविवेकी शक्ति नहीं प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को प्राप्त है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की कोई स्वविवेकी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। यहाँ पर कुछ भी वो कार्य करेंगे तो प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर ही कार्य करेंगे। ये मानिए कि केंद्र में राष्ट्रपति जो है वो एक कठपुतली के समान है,
उनके जो है नाम के बगैर कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में जो धरातल पर कार्य कर रहा है वो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त हैं, इन स्वविवेक की शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों पर लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, तो इसकी बात हम थोड़ा कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए राज्यों पर लगाया जाता है और एक या एक से अधिक राज्यों पर लगाया जा सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल के प्रतिवेदन पर 2 माह तक राष्ट्रपति शासन राज्य में या राज्यों में लगाया जाता है। राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाती है, मंत्रिपरिषद जो है वह बर्खास्त हो जाती है। तो मैंने आपको ये बता दिया है और अब तक देश में 132 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लग चुका है और सबसे पहले जो है वो पंजाब में लगा था, राजस्थान में। अब यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आएगी, अब तक 4 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति शासन लगने पर उस राज्य का नियंत्रण सीधे राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति ही सभी कुछ यहाँ निश्चय करेंगे। तो कितनी बार जो है लगा है राष्ट्रपति शासन राजस्थान में? 4 बार लगा है। तो उस वक्त मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली बार जो है वो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक चला ये जो राष्ट्रपति शासन, और इस वक्त राज्यपाल जो है वो थे संपूर्णानंद सरदार हुकुम सिंह और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, आप ये याद रखेंगे। दूसरा देखिए 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 को जो है लगा राष्ट्रपति शासन, और जो कि राजस्थान में, इस वक्त राज्यपाल थे वेद पाल त्यागी और मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में? ऐसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में जिस वक्त राज्यपाल वेद पाल त्यागी थे उस समय राष्ट्रपति शासन जो है वह लगाया, तो उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? ऐसे भी बन सकता है, या ऐसे भी बन सकता है कि जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है राजस्थान में लगाया गया उस वक्त राज्यपाल कौन थे। तीसरी बार देखिए 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 को लगाया गया, इस वक्त राज्यपाल जो है रघुकुल तिलक थे। ठीक है, राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक, और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। चौथी बार 15 दिसंबर 1992 को 4 दिसंबर 1993, यहां से लेकर यहां तक जो है वह राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो इस समय राज्यपाल एम चेन्ना रेड्डी और मुख्यमंत्री इस वक्त जो है वो भैरव सिंह शेखावत थे। तो राष्ट्रपति शासन लगने का क्या कारण होता है? जब राज्य में सांविधानिक जो तंत्र है वो विफल हो जाता है, कार्य जो है वो शासन का सुचारू रूप से नहीं चल रहा होता है, तो इस वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इसके साथ ही आपका राज्यपाल का टॉपिक कंप्लीट होता है, और राज्यपाल से संबंधित जो लिस्ट है कि फर्स्ट राज्यपाल कौन रहे, सेकंड कौन रहे, थर्ड कौन रहे, तो ये इस नोट्स के साथ ही मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगी, जिसमें समय भी लिखा होगा कि कौन से राज्यपाल कितने समय तक जो है वह राज्यपाल के पद पर रहे। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का पूछा जाएगा। मान लीजिए रघुकुल तिलक के बारे में ही पूछा जाए कि इनका कार्यकाल जो है वह कितने से कितने तक रहा, इनके बाद के राज्यपाल कौन रहे, या इनके पहले के राज्यपाल कौन रहे, या ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 3 जो है वो राज्यपाल के नाम दे दिए जाएंगे, एक मुख्यमंत्री का नाम दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि इसमें से राजस्थान का राज्यपाल कौन सा नहीं है, तब आपको वहां पर सभी राज्यपाल के नाम याद रखने होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।